So this is Ashish Tripathi from the Mount Ritra Jewish School, Jhansi. This video is a revision video that I have taken the chapter 2, 3, 4 and 5 in your first term examination purpose. I have taken this chapter. So welcome all of you. How are you? Yeah, I think all of you are properly sanitized and you are staying at your home and you are safe. And you are following the rules of the lockdown to save yourself, क्योंकि कोरोना से बचने का केवल एक ही तरीका है, आप अपने आप को सैनिटाइज रखें, सेफ रखें और अपने आप से जितना आप प्रिकॉशंस बरत सकें वही चलें. Now I am coming on the topic. So I am this is class 7th and in class 7th I have taken all the 4 chapters. So in this video I am taking all the chapters that I have taken for first chapter is inside computer. First chapter inside computer and hardware and operating system. Inside computer, hardware and operating system का मतलब है कि आपके computers के वो सारे part जो hardware से related हैं, जो teacher आपको जिन्हें आप feel कर सकते हो, touch कर सकते हो, और वो part जिन्हें आप feel और touch नहीं कर सकते हो, लेकिन वो as a expression, as a software आपके system में present है. इन सॉफ्टवेयर में मेन होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज द मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ द सिस्टम, और इट इज नोन एज द मेन प्रोग्राम मेन सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. इफ इट इज नॉट प्रेजेंट इन योर मेमोरी इन योर कंप्यूटर द योर कंप्यूटर विल नॉट प्रॉपरली क्या वर्क ही नहीं करेगा. आपका सिस्टम का मेन हार्ट सॉफ्टवेयर है, अगर ये सॉफ्टवेयर हटा दो आपका सिस्टम नहीं काम करेगा. हार्डवेयर पार्ट में हमारे पास आ जाता है CPU जो कि इनसाइड द कंप्यूटर होता है, रैम, प्रोसेसर, इसके अलावा पोर्ट्स, ये सारे के सारे पार्ट जो मैंने आपको पिक्चर्स के जरिए आपके सामने शो किया है. ऑपरेटिंग सिस्टम और CPU इज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर. अगर ये दोनों नहीं है, हार्ट एंड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये दोनों नहीं है, कंप्यूटर एक डब्बे के अलावा कुछ नहीं है, इधर से उठा के रखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके अलावा इस चैप्टर में मैंने रैम, रोम, मेमोरीज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनके बारे में भी आपसे बहुत सारी टॉपिक्स पर बात की थी. नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज इमेज एडिटिंग. इमेज एडिटिंग मतलब नॉर्मली आप पेंट ब्रश को यूज करके और आप सिस्टम को पेंट ब्रश को यूज करके और आप सिस्टम पर प्रोग्रामिंग करते हो, जब पिक्चर्स को एडिट करते हो, चेंज करते हो, दैट इज इमेज एडिटिंग. इमेज एडिटिंग में मोस्टली आप बनी बनाई इमेजेस को में करेक्ट देते हो, जैसे कि आप इनविटेशन कार्ड बनाना है, पिक्चर्स तैयार करना है और डिफरेंट पुरानी पिक्चर्स, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स को कलर करना है, दैट इज द इमेज एडिटिंग, अपलोड करना. नेक्स्ट इज हमारा था एडवांस प्रेजेंटेशन डिजिटल स्टोरी, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर था. इस चैप्टर में हम लोगों ने पहला ये डिसाइड करते थे, ये ठीक सीखा था कि जैसे नॉर्मली हमारे घर में स्टोरीज सुनाता हमें कोई, समबडी इज टेलिंग द स्टोरी, या फिर हम कहीं बाहर से घूम के आते हैं, कुछ पिक्चर्स वगैरह ले लेते हैं, उसके बेसिस पे लोगों को स्टोरीज बताते हैं, तो वही स्टोरी डिजिटली तैयार करना, सबसे पहले प्लानिंग करना, फिर एग्जीक्यूट करना, बाद में सॉफ्टवेयर की मदद से उसे इम्प्रेस कर देना. तीन टॉपिक्स थे, यानी नॉर्मली स्टोरी मुंह से बोल के सुनाते हैं, या हम डिजिटली तैयार करके हजारों लोगों के लिए एक स्टोरी प्रिपेयर कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज और इसके अलावा इस स्टोरी को तैयार करने में डिफरेंट फॉर्मेट कौन कौन से हो सकते हैं, क्या क्या स्टेप हैं स्टोरी को तैयार करने के लिए, वो सारे के सारे मैंने आपको, इसके अलावा कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपको डिजिटल स्टोरी तैयार करने में यूज होंगे, जैसे मैंने एक बताया था इम्प्रेस और दूसरा बताया था आपको पावर पॉइंट. इसके अलावा देयर इज नंबर ऑफ द सॉफ्टवेयर अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर सिस्टम एंड उन सॉफ्टवेयर को यूज करके आप इसे यूज कर सकते हो. नाउ व्हाट प्रोसेसर, नेक्स्ट इज व्हाट प्रोसेसर और दैट इज डिजाइनिंग कार्ड्स एंड न्यूज़लेटर. डिजाइनिंग कार्ड्स एंड न्यूज़लेटर्स में आपके पास आ जाता है कि किस तरीके से, जैसे भी मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था हाउ टू प्रिपेयर द इनविटेशन कार्ड, सिमिलरली इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए वर्ड प्रोसेसर को यूज करके हम कार्ड को प्रिपेयर कर सकते हैं आसानी से. तो वर्ड प्रोसेस में आपने देखा ही है, कोई भी आप क्लिप आर्ट से जाके पिक्चर को डाउनलोड कर लीजिए, इसके अलावा उसके क्या नाम है लेआउट्स होते हैं, उन लेआउट्स को ले लीजिए, उन लेआउट्स में जाकर के आप बर्थडे कार्ड करना, इनविटेशन कार्ड प्रिपेयर करना, डिफरेंट कमांड्स उसमें दे करके उसको अच्छे तरीके से शो करना, दैट इज द वर्ड प्रोसेस.
तो ये हमने तीन चैप्टर, शायद दो तीन चार और पांच, ये चार चैप्टर मैंने आपको लिए हैं आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में। इसके रिलेटेड पीडीएफ भी मैंने आपको क्लास सेवन के ग्रेड सेवन के ग्रुप में डाली है, और साथ साथ ये वीडियो भी मैं पूरा कंक्लूड कर रहा हूँ, ऑल द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू टेक इन फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन, बिकॉज आफ्टर 10 डेज वी विल मीट, व्हेन वी विल मीट आई थिंक आप सब कुछ प्रिपेयर कर चुके। ओके, स्टे सेफ, स्टे होम, एंजॉय द लॉकडाउन, बी प्रिकॉशन, और एक बात ध्यान रखिए, लॉकडाउन का यूज कीजिए अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में। ऐसा नहीं घर पर पड़े हुए तो आप टीवी देख रहे हैं और ये नो, आप उसका, अगर आपका 24 आवर्स है, 10 घंटे आप काट दीजिए फॉर आप स्लीपिंग, फॉर आपके डेली वर्क के लिए, बाकी आपके पास अभी भी 14 घंटे बचते हैं। 14 घंटे में एक 7-7 घंटे के दो रूटीन बना लिए, बीच में 2 घंटे का गैप दे लीजिए सोने और इन सब बातों के लिए और टीवी देखने के लिए, और बाकी समय का आप यूज कीजिए। ओके, स्टे सेफ, थैंक यू।